subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कैंसर का कारण बनता है। भैया तुम बताओ, तुम किसे चाहती हो? भैया मैं सिर्फ देव को चाहती हूँ। भाई अब तो क्लियर हो गया ना कि रिया देव से प्यार करती है। पर भाई मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं छोटे, नहीं, ये प्यार का मसला है, प्यार से ही समझते हो। भाई तू प्यार तो मैं भी करता हूँ उससे, लेकिन छोटे रिया तो देव को चाहती है ना। भाई ये तो हर जगह ऐसा ही होता है। जाइए तुम लोग, अपुन के भाई को तो मैं समझा ही लूंगा। साक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी, और मैं तुम्हारे बिगैर रह नहीं सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रियली? लेकिन साक्षी तुम मुझे काफी परेशान नजर आ रही हो काफी दिन से, क्या बात है ऐसी? हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। मुझे एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। लड़का? कौन है लड़का और किसकी हिम्मत आई है जो साक्षी से प्यार करने की? तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें बताने से डर रही थी। तो साक्षी आखिर मैं क्या करूं? साक्षी मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। नहीं साक्षी नहीं, नहीं कुत्ते तूने ये क्या किया साक्षी? नहीं नहीं साक्षी नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ साक्षी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिया कहाँ हो यार, इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, मैं अपना वही पार्क में खड़ा हूँ जहाँ पे हम हमेशा मिलते हैं, और जल्दी से रेडी होके आओ, मैं सच में पार्क में खड़ा हुआ हूँ। चलो जल्दी आओ। ओके। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ रिया। तुमने मुझे पहचान लिया? जानूंगा क्यों नहीं, प्यार जो करता हूँ तुमसे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम भैया ने खत्म कर दी। मुझे भी बहुत अच्छा। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं। तू जहां मैं वहीं, मैं फना होके भी जीऊं।
यार अतुल तेरे साथ हुआ तो गलत है। क्या करूं यार, ये अब्दुल भाईजान की वजह से है ना, ये सब लफड़ा उनकी वजह से हुआ। मुझे पता है तू, तू आज भी रिया से प्यार करता है यार, उसका क्या करेगा तू? प्यार तो मैं बहुत करता हूँ यार, लेकिन अगर वो मेरी नहीं हुई ना, किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। यार वैसे बहुत दिनों से दिख ही नहीं है यार, देखे भी जमाना हो गया उसको। रिया, रिया रोज इस गार्डन में आती है भाई, तू आज बता रहा मुझे ये बात? लेट्स गो, मैं आज ही दिखा देता हूँ। पानी, हाँ बोल रहा पानी, अभी लेके आता हूँ, यहीं बैठना। और रिया मैडम, चल चल। क्या बदतमीजी है ये? मैडम हम तो आशिक हैं आपके, बदतमीजी वाली कौन सी बात है? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इसको हद कर दे मैडम। तो मैडम हद तो तूने देखी नहीं मेरी। वैसे बताओ आशिक कहाँ तुम्हारा? आखिर तो चाहता क्या है, क्यों हमारी जिंदगी में आ रहा है? तुम अपनी खैर चाहते हो तो निकल लो यहाँ से, देव आ गया तो देख लेना बस। देव देव देव, परेशान हो चुका हूँ मैं इस नाम से। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। निकल 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 निकल। रिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। रिया रुक जाओ प्लीज। रिया आके खोलो। रिया कोई इसे हॉस्पिटल लेके जाओ प्लीज। भुला देना मुझे है। Just
देव कब तक ये पागलों की तरह तड़पता रहेगा? क्यों उसकी याद में तिल तिल मरता है? वो अब तुझसे बहुत दूर जा चुकी है और जो तूने प्रॉमिस किया था उसकी मौत का बदला लेने के लिए, उस बदले का क्या हुआ? चल घर चल। अरे मुन्ना ये छोरिया कितने चल दी, ओ मैडम सच दस के कितने जा रही हो, थोड़ा रुको ना। क्या बात है मिसरी, क्या कर रहे हो तुम? हुआ तो यहाँ से चश्मा को मार, चश्मे का क्या करेगी तू, चश्मा तो हमारे पास। तो पुलिस 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 वाला हो भाई, चारू मुझे तुझसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? क्या बात करनी थी? कल जो लड़की ने हमारी जान बचाई थी वो कौन था? वो तो देव था, पर क्या हुआ? देख साफ साफ बता क्या हुआ। आई थिंक आई फील फॉर हिम। ओह फीलिंग, ओके ठीक है। देख देव पुलिस ऑफिसर है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफ़ी अच्छा इंसान ठीक है। और अभी वो जिम जाता है, उसकी उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था जिसमें उसकी लवर को गुंडों ने मार दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत खाली खाली फील करता है। और तो और क्या जानना सर? मुझे बस उसके साथ रहना है, अब तरीका आप बताओ। देख तरीका सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ एक ही इंसान की बात मानता है जो कि उसका बड़ा भाई है ठीक है। तो तरीका ये है कि तू उसके बड़े भाई से जाके बात कर। देव को तो तू ही जानती है ना, तू ही बात कराएगी अब। देख बात मैं करा दूँगी ठीक है, लेकिन आज नहीं, इतनी जल्दीबाजी मत कर, हम कल बात करते हैं। ओके हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं भी बहुत ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे कल मिलना था, तो कल हम लोग मिलने आ जाएं आपसे? ठीक है ओके ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हेलो चारू, हाँ नमस्ते, कैसी हो? अच्छा मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है आ जाओ। हेलो हाय, बैठो। कहाँ हो चारू यार, बहुत दिनों से मिली नहीं रही हो। बस वो थोड़ा अपने ऑफिस और सब चीजों में बिजी रहती हूँ। अच्छा, और बताओ कैसा चल रहा है? बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस आज सोचा कि बहुत टाइम हो गया तो आज कल बड़े दिनों बाद फोन आया तुम्हारा, तो मैंने सोचा चलो मिलते हैं। हाँ जी और बताइए। सबसे पहले तो आप इससे मिलिए, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, और कुछ टाइम पहले देव ने हमारी जान बचाई थी, गुंडों से हमें बचाया था, और उसी टाइम हम लोग आपस में मिले थे, ये भी उससे मिली थी। तो इसने मुझे बताया कि ये देव को बहुत चाहने लगी है जब से उसने उसको देखा है, तो बस बात करने में हम लोग कतरा रहे थे, लेकिन कोशिश करी है मैंने, और बस ये बात थी। और मैं चाहती हूँ कि आप देव से बात करें, क्योंकि देव एक सिर्फ आपकी ही बात सुनता है और किसी की नहीं सुनता। ओह तो ये बात है। हाँ जी एक्चुअली आपने मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था कि देव जीवन में आगे बढ़े और वो शादी करके सेटल हो जाए। इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। सब ठीक है, बात हो गई? हाँ सुनो एक बात और, देव से तो मैं बात करूंगा, लेकिन देव के दिल में प्यार आपको खुद जगाना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है ओके मिलते हैं। देव ज्योति एक अच्छी लड़की है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योति से शादी कर लो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। और हाँ
मैं तुम्हारी इस चुप्पी का राज अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मेरी इस बात पर गौर जरूर करना। कुड़ी पिछे जिम विच आउण लगे सी, शौक पिया डोले भी बनाउण लगे सी। कुड़ी पिछे जिम विच आउण लगे सी, शौक पिया डोले भी बनाउण लगे सी। कीता प्रपोज ओह जिम छड्ड गई ते यार कल्ले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। खराब कीता पिछे ओ हसीन दे, बजट हला गए उत्तों डब्बे प्रोटीन दे। टाइम ही खराब कीता पिछे ओ हसीन दे, बजट हला गए उत्तों डब्बे प्रोटीन दे। लै सी जो यो दी उंगली च पाउण नूं ओ कोले थल्ले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। हरफ देता कालजे च चीसनी, पैसे फड़ साल दी ही पर बैठा फीसनी। पैंती है हरफ देता कालजे च चीसनी, पैसे फड़ साल दी ही पर बैठा फीसनी। एवे मित्र भी ओदे चले ना करे ते लगे थले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। सुबह उठ शीशे विच वेख लैंदे आं वे डोले पल्ले रह गए। प्लीज आप मुझे भी एक्सरसाइज कराओगे? मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। अच्छा चलो मैं आपको कराता हूँ। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ो इसको, ऊपर से इधर से कॉर्नर से। हाँ इसको स्लोली स्लोली आगे लेके आना, बहुत स्लो। हाँ बहुत स्लो, वापस लेके जाना है। अपना सर जो है इसको पीछे लगाओ, बहुत बढ़िया स्लो। 12 रैप। अब हम उधर एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाने हैं जो बहुत आराम से इजीली उठाने हैं। हरफ देता कालजे च चीसनी, पैसे फड़ साल दी ही। जॉर्डन लगा उस पुलिस वाले को फोन, तुम्हें चौराहे पे दादागिरी दिखा रहा था ना वो, अब बुला उसको। अरे ओ रे देव, अब आजा ले जा तेरी हीरोइन को बचा के। अतुल भी यही है, हम भी यही है, और तेरी हीरोइन भी। अब देखते हैं को आठ डे पे। तूने बुलाया था ना मुझे, आ गया है मैं, बोल। अब तेरी बारी है, आजा। लगता है मुझे आना ही पड़ेगा। हो गया तेरे गुंडों का काम। हो गया तेरा।
तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे पीछे फिरदा जवानी मुंडा गालदा, तेरे जो से आला वाली ही हीर मुंडा पालदा। तेरे पीछे फिरदा जवानी मुंडा गालदा, तेरे जो से आला वाली हीर मुंडा पालदा। तेरे ना घेरे दे मैं जी आउंदा ना, तुझे कब